नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां हम दिखाते हैं आपको खबरें आपके शहर की। आज का कोरोना बुलेटिन आ गया है और आज का कोरोना बुलेटिन ये कहता है कि आज गुरुग्राम में 16 नए केसेस आए हैं। जी हां, आपने सही सुना, गुरुग्राम में आज 16 नए कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं, जो कि अब ये संख्या बढ़कर 161 हो गई है। लगातार हमारे गुरुग्राम में जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज अच्छी खबर नहीं है, आज कोई भी मरीज गुरुग्राम से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया ने यह जानकारी दी है कि आज शाम तक कुछ लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है और जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाएगी तो कल उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आज गुरुग्राम में 16 नए केसेज आए हैं, अलग अलग इलाकों से ये केसेज आए हैं और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो अभी तक डर हम लोगों को सता रहा था वो डर अब सच होने वाला है। उस डर की मैं बात कर लेता हूं। आपको याद होगा गुरुग्राम की जो खांडसा सब्जी मंडी है वहां से बहुत से जो वेंडर्स हैं, सब्जी वेंडर्स, वो कोरोना पेशेंट पाए गए थे, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और अब जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं 3-4 ऐसे शख्स आए हैं जो कि रेहड़ियों पर जाकर सब्जियां घर घर बेचते हैं। इसके अलावा एक किसान भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जो सब्जियां उगाता था। ये हम लोगों को हैरान कर देने वाली खबर है, हमारे लिए चेतावनी है कि हमें कितनी सावधानियां बरतनी है। एक केस आया है गुरुग्राम के मारुति कंपनी से, जो एचआर डिपार्टमेंट में एक शख्स काम करता है, हालांकि वो यूपी का रहने वाला है लेकिन वो काम गुरुग्राम की मारुति कंपनी में करता है। डीएलएफ फेज 3 से एक केस आया है और ऐसे ही गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से केसेस आए हैं। मैं आपको डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया की सीधी बात सुनवाता हूं, वो आपको डिटेल से बता रहे हैं कि गुरुग्राम में कितने केसेस आज आए हैं, क्या संख्याएं हैं और कहां कहां से ये सब केसेस आए हैं। जरा डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया की बातें सुनिए। कितने मरीज ठीक हुए हैं आज? सर, कोरोना के जो पेशेंट आए हैं हमारे डिफरेंट जगह से हैं, 16 केस आए हैं तो 161 बन जाते हैं टोटल केस अब तक के हमारे, जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं जो मतलब हमारे जो कुछ सब्जी वाले हैं ना, जो खुद बेचते हैं अपने घर में दुकान कर रखी है, वो पॉजिटिव हैं सर 2-3। और कुछ मतलब सब्जी वाला ऐसा है जो किसान है एक, वहाँ जो अपने खेत में उगाता है ना वहाँ से उतार, वो पॉजिटिव आया सर। तो ये कुछ इस तरह के 2-3 तो केस ऐसे हैं, तो टोटल मिला के 161 हो जाते हैं सर ऐसे हमारे पास केस अलग अलग जगह के हैं। ठीक होने वाले मरीज ठीक, आज की अभी डिस्चार्ज नहीं है सर, कुछ रिपोर्ट्स हमारी आएगी जो डिस्चार्ज वाला उसको देख करके मोस्ट लाइकली कल डिस्चार्ज होंगे। आज डिस्चार्ज के लिए सर टोटल एक्टिव केस कितने हो गए? टोटल एक्टिव केस सर 94 बिल्कुल ठीक सर। इनकी लोकेशन बता पाएंगे? 16 केसेस, हाँ मैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है? यस सर मैं बताता हूँ। एक तो जो केस है वो हमारा एक ऑफिस बॉय है डीएलएफ में, वो पॉजिटिव है सर। एक है जो रवि नगर में है, ये सब्जी वाला है। एक जो है ये बाजे हेड़ा का है जो दिल्ली बॉर्डर के पास है, ये अपनी खुद सब्जी उगाता है वहाँ, ये पॉजिटिव है सर। और 5 केस सर हॉल के हैं सर, हाँ इसमें एक हस्बैंड वाइफ भी है इसके अंदर। 2-3 केस ऐसे हैं जो हमारे जो हेल्थ में काम करते हैं, जो ट्रेनी हैं नर्सिस TSSTI की, वो नहीं पॉजिटिव हैं सर। सर जो हेल्थ के सरकारी हॉस्पिटल सरकारी में ये ट्रेनिंग में स्टूडेंट हैं वो काम कर रहे हैं सर उनके हैं। और एक DLF फेज 3 में है कि ये हैं, और एक और है जो 38 ईयर का है, वो भी बिलियासपुर का है गुरुग्राम में, ये भी सब्जी बेचता है। और एक है जो मारुति में HR में काम करता है सर, एक ये भी पॉजिटिव है। सर क्या बजट निकल के सामने आ रही है जो सब्जी वाले पाए जा रहे हैं, हाँ। क्या ये जो खांजा सब्जी मंडी पॉजिटिव पाए गए थे उनके कांटेक्ट में आए थे सर ये लोग, या अदर कोई का हिस्ट्री है? सर ऐसा है ना, एक तो केस ऐसा है जो खेत में उगा रहा है तो वहाँ से लोग मंडी वाले वहाँ से लेने जाते हैं उनके पास से, तो उनका कनेक्शन इस तरह से हो सकता है। तो कुछ ऐसे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो घर में सब्जी बेचता है वो भी मंडी से लेके जाता है तो वहाँ सेल कर रहा है, तो इस तरह से उनका कनेक्शन तो इस तरह से स्थापित हुआ है। सर क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है जो गुरुग्राम में सब्जी वेंडर्स हैं जो रेडी ठेलों पर बेचते हैं, क्या उनके भी टेस्ट या स्क्रीनिंग कराएंगे? ये प्लान किया जा रहा है कि हम जो जितने हमारे सेक्टर्स हैं, जितना भी हमारा जो है ना उस एरिया में
हमारे उनकी सबके ना इन लिस्ट कर रहे हैं कि इस एरिया में कितने ये होकर जाते हैं, उनका फिर स्क्रीन किया जाएगा, उनके टेस्ट किए जाएंगे सर आने वाले आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर। सर जो 16 मामले आए हैं उनके टेस्ट में जितने भी लोग थे कितने लोगों को क्वारंटीन किया गया है सर? ये सभी अभी लिस्ट आई है, इसमें से हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग देखी है सर कि इसमें कुछ लोग तो 2-4 तो ऐसे हैं जो अकेले हैं जो अपने पीजी में रह रहे हैं, और जो 1-2 ऐसे जिसकी फैमिली है 8-10 की, वो सारे इन लिस्ट कर लिए गए हैं, उनको क्वारंटाइन के लिए बुलाया जा रहा है। सर ये HR जो डिपार्टमेंट में कोरोना संक्रमित हुआ है मारुति का, जी सर कौन ये अधिकारी क्या है? ये HR में काम करता है सर, ये प्रैक्टिकली तो सुल्तानपुर का रहने वाला है, ये डेली अप डाउन करता था बिकॉज ऑफ दिल्ली सुल्तानपुर सुल्तान, नहीं नहीं सुल्तानपुर यूपी में सुल्तान उसका है, लेकिन ये जो होली के बाद से कह रहा है कि मैं स्टक हो गया और मैं फिर यहीं रह रहा हूँ और यहाँ काम करता हूँ। सर आपने बताया 5 केस सरोल के हैं, तो जो पहले वहाँ पे इंफेक्टेड केसेस पाए गए थे क्या ये उनसे रिलेटेड हैं? नहीं ये सर है? ये सर अलग हैं, ये आए हैं और उनमें से जो बात कर रहे थे उनमें से तो 21 की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें 18 नेगेटिव है सर, जो पहले वाले थे और रोहतक से नेगेटिव आ चुके हैं सर। सर बाकी वजह पता निकल पा रही है कि जो आज 16 केस आए इनमें कोई दिल्ली कॉन्टैक्ट से भी रिलेटेड हो सर? हाँ एक तो सर जो बाजी है बाजीहेड़ा है ये तो दिल्ली के बॉर्डर पे हैं बिल्कुल, हाँ बजीरा, तो इसमें ये हो सकता है कि सब्जी दिल्ली से ला रहा हो वहाँ से ला रहा हो तो इसका वहाँ कनेक्शन है तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा जो निकल के आ रहे जो हम बात कर रहे हैं सब्जी की उनका भी इससे कनेक्शन लगता है, तो कुछ तो है जो लग रहा है कि दिल्ली कनेक्शन है। सर सहोल में काफ़ी केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, कोई वजह निकल के सामने आई सर कैसे वहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं? सर दिल्ली कॉन्टेक्ट से बढ़ रहे हैं या पहले जो केसेस निकले थे ये 90 बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं, ये केस का लिंक है जो स्टार्टिंग में हमारा जो आरएमएल में एक जो पॉजिटिव केस था ही स्टेड ओवर देयर इन एरिया में जो उसकी वजह से ये आ रहे हैं केसेस। अच्छा सर टोटल ठीक कितने हो चुके हैं सर पेशेंट? ठीक सर हमारे 64 ठीक हो चुके हैं सर अब तक, और आज कुछ रिपोर्ट और आएंगे तो होपफुली क्योंकि डेज पूरे हो चुके हैं। 67 है कुछ उसमें और ऐड हो जाएंगे तो होपफुली है सारे स्टेबल हैं तो उनके टेस्ट करा रखे हैं, उनके नेगेटिव रिपोर्ट आते ही उनको। तो आपने सुना आज गुरुग्राम में 16 नए केसेस आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, और अब जो संख्या है वो कुल 161 हो गई है गुरुग्राम में कोरोना पेशेंट्स की। जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या अब 94 यानी कि 94 हो गई है, और जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो 67 है। आज कोई ठीक नहीं हुआ है, किसी मरीज को आज डिस्चार्ज नहीं किया गया है, इनका सभी का गुरुग्राम के जो कोविड अस्पताल बनाए गए हैं उनमें इनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा आज जो हैरान कर देने वाली खबर है वो ये, एक तो सरहोल में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, 5 केसेस आज सरहोल से आए हैं, और इसके बारे में जब मैंने सीएमओ साहब से सवाल किया आपने सुना होगा कि सरहोल में आखिर क्यों लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनका कहना है जो दिल्ली से शुरुआत में कॉन्टैक्ट आया था उसी की वजह से लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर, इसीलिए जो और स्क्रीनिंग है और जो टेस्ट की रफ्तार है वो लगातार बढ़ाई जाएगी। दूसरी चीज हैरान कर देने वाली कि जो सब्जी वेंडर्स हैं जो सब्जी उगा रहे हैं किसान वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसके पीछे वजह बताई जा रही है जो सब्जी खरीदने आते हैं उनसे, जैसे कि सब्जी मंडी से कुछ जो दुकानदार पॉजिटिव पाए गए थे वो लोग गए हों, क्योंकि वो दिल्ली के बेहद नज़दीक है, बजगेड़ा के रहने वाले हैं किसान, और हो सकता है कि दिल्ली से कोई उनके पास खेतों में सब्जी लेने आ रहा हो वहां से कोई पॉजिटिव पाया गया हो। एक मारुति कंपनी के HR डिपार्टमेंट में कोई कर्मी है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, DLF फेज 3 से बताया गया कि DLF फेज 3 से एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो गुरुग्राम में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बात करें अब प्रवासियों की, ये तस्वीरें आप लोगों के सामने जो चल रही हैं ये तस्वीरें गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की, पुराने सिविल अस्पताल की जहां पर सीएमओ ऑफिस है, और ये सभी आपको जो दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में इतने लोग खड़े हुए हैं ये सभी कश्मीर के रहने वाले छात्र हैं जो कि लॉकडाउन से पहले यहां पढ़ने आए थे, कोई एडमिशन कराने आया था कॉलेज में, वो सब लॉकडाउन की वजह से यहां फंस गए। उसके बाद इन्होंने अपने जो अधिकारी थे कश्मीर के वहां उनसे बातचीत की, उसके बाद उन्होंने गाइडेंस दी कि आपको किस तरह से लाया जाएगा, उसके बाद ये अब सिविल अस्पताल में स्क्रीनिंग कराने के लिए आए हुए हैं और इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, अगर कोई किसी में लक्षण पाए जाते हैं कोरोना के तो उनका टेस्ट भी कराया जाएगा, और जिनको स्क्रीनिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा नेगेटिव सर्टिफिकेट उसके बाद ये लोग अपने घर जा पाएंगे। सीएमओ साहब ने इसके बारे में भी जानकारी दी। एक खबर हमने कल आप लोगों को दिखाई थी कि गुरुग्राम में मौत के आंकड़े क्या छिपाए जा रहे हैं, ये खबर हमने दिखाई थी क्योंकि 2 डॉक्टरों की हमारे पास इंटरव्यू थे, सीएमओ साहब कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई मौत नहीं हुई कोरोना से, और दूसरी तरफ डॉक्टर ने कहा था कि मरने के बाद कुछ लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। आज उस बात को क्लियर कर दिया है डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया ने, उन्होंने क्लियर किया, उनका कहना यह है कि जितने लोगों की मौत यहां पर हुई है
एक मौत फाजिलपुर में हुई थी, आपको याद होगा फाजिलपुर को कंटेनमेंट में बनाया हुआ है तभी से। एक शख्स की मौत हुई थी उस समय क्योंकि उनको डायबिटिक था, उनको और भी बीमारियां थी जिनका इलाज उनका दूसरे अस्पताल से चल रहा था, उसका इलाज कराने के लिए वो गए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका जो कोरोना टेस्ट था वो पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद फाजिलपुर को कंटेनमेंट में बना दिया गया था। डॉक्टर साहब का कहना है कि उनकी मौत कार्डियक अटैक से हुई थी। उसके अलावा गुरुग्राम में जो और हमने कल 3-4 मौतों का जिक्र किया आप लोगों के सामने, उनके पीछे डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया ने वजह बताई है कि चूंकि वो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो मूल रूप से दूसरे राज्यों के थे, एक पश्चिम बंगाल का था, एक यूपी से थे, तो इसीलिए उनको यहां पर नहीं गिना जाएगा। हाँ, एक कल जो मौत हुई थी सेक्टर 31 में, वो धनवापुर के रहने वाले थे, उनकी कोरोना रिपोर्ट आज आ गई है, वो नेगेटिव आई है, ये भी जानकारी आज डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया ने दी है। तो डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया का कहना है कि जितनी मौत हमारे यहाँ हुई है और जिनका मरने के बाद कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो हमारे हरियाणा के या गुरुग्राम के रहने वाले नहीं थे, इसीलिए उनका आंकड़ा हमारे स्टेट के जो आंकड़े हैं उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। उनकी मौत की जानकारी और उनके कोरोना टेस्ट की जानकारी उनके जो संबंधित राज्य हैं जहां के वो रहने वाले थे, वहां डिटेल्स भेज दी गई है। ये स्थिति साफ कर दी है, हमने एक खबर दिखाई उसके बाद स्थिति साफ की गई, उस पर भी मैं आपको डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया की बात सुनवाता हूं कि उन्होंने क्या जानकारी दी है, वो भी आप जरा सुन लीजिए। ये है सर, इसमें तकरीबन एसिम्प्टोमेटिक है सर, तकरीबन एक सिम्टोमेटिक, उनको लगता है कि हम यहाँ सब्जी बेचते थे, हम इस तरह से थे, तो उस तरह उन्होंने कहा कि हम चेक करा लें, तो ये उन पर चेक किए गए हैं सर। एक दो हैं जो हॉस्पिटल में भी है, एक तो किसी पारस हॉस्पिटल में है, एक कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में, उसको माइल्ड सिम्टम है सर। सर, ये जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग टीम ने क्या अब जो है वो योजना बनाई है, किस तरह से इन्हें रोका जाए? सर ऐसा ना, देखिए चीज़ें तो स्क्रीन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे पॉसिबिलिटी पॉजिटिव आने की उन लोगों में ज़्यादा रहे, क्योंकि ये लगता है कि कोई कैरियर है, एसिम्प्टोमेटिक है। और दूसरी बात ये भी है कि हमने एक ना वो आइडेंटिफाई किए हैं कि जैसे अब प्लान कर रहे हैं हॉकर्स हैं, तो उनका इनसे लिंकेज होगा कुछ ना, जैसे अभी हमने सैंपल लिए उसकी मोस्ट लाइकली या तो आज रात तक आ जाएगी, निकल तक आ जाएगी। कुछ बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं जिन्होंने माइग्रेंट को खाना दिया है, सर्विस दी है अच्छे से, तो दे माइट हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन, तो इस तरह से इनका लिंकेज कहीं कहीं आ रहा है। तो जितना करेंगे टेस्ट उतना जल्दी पता लगेगा, जल्दी लगेंगे तो उतना कंटेनमेंट होगा। कितने टेस्ट अभी तक हो चुके सर? टेस्ट हमारे 8,500 से ऊपर हो चुके हैं। आपको लगता नहीं कि अभी भी टेस्ट की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम है? साढ़े 8,000 टेस्ट काफ़ी हैं सर, लेकिन उसी तरह से प्रयास और भी है। अभी भी आप देखेंगे डेली के 200 से 300 या 400 450 तक के सैंपल हमारे पर डे हो रहे हैं सर। एक्टिव केस तो सर बेसिकली 94। दूसरा सर, इसके साथ साथ मैं कुछ और भी आपको अवगत कराना चाहूँगा, जो आज कुछ मैं, एक तो हमारा एक 31 में दाखिल था सर, पेशेंट जो सस्पेक्टेड कोरोना था, उसकी रिपोर्ट आज आ गई है, वो नेगेटिव है। साथ साथ मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे, जो एक जो हमारे कुछ ऐसी थी कि जैसे कोरोना पॉजिटिव आ गया, उस तरह किसी हमारे किसी डॉक्टर ने जो ऐसे बात मॉर्चरी में बता दी थी, उसका संबंध एक सतवीर पेशेंट है हमारा जो, जिसने सुसाइड किया था, उसका कॉज ऑफ डेथ सुसाइड है। दो हमारे ऐसे केस थे बैक टू बैक, जो एक दिलीप है वो सर नानंदा वेस्ट बंगाल का है सर, एक बरम आनंद है ये भी खुशीनगर यूपी का है, ये हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट बैठे हैं, हमारे IDSP की टीम है, इन्होंने उस स्टेट को इसके लिए इन्फॉर्म कर दिया है सर। एक और स्टार्टिंग में जो हमारा फाजिलपुर का था, उसमें भी डेथ जो थी वो ड्यू टू माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन थी, उससे इसका डेथ का कारण दूसरा और था कि उसको पहले ही एम्पोटेशन थी, उसमें इन्फेक्शन थी, उसकी वजह से वो लोग दाखिल हुए थे, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन था सर। सर, जो ये बाहर के लोग थे मरने वाले सर, क्या हमारे यहाँ के आंकड़ों में नहीं दिखाए जाएंगे, जैसा आपने कहा कि उनके स्टेट को सूचित कर दिया गया? हाँ सर, ये बनता है कि जैसे कोई भी वैसे नॉर्मल पॉजिटिव आता है कुछ दूसरे स्टेट का हमारे पास होता है, तो ये गाइडलाइन के अंदर है कि हम दूसरे स्टेट को सर सूचित कर देते हैं, दूसरे उस स्टेट वाले को डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर उसको सूचित कर देते हैं, सेम इसी केस में उनको भी सूचित कर दिया गया सर। लेकिन क्योंकि आसपास कहीं रहते हैं, उनके एरिया में हमने जितनी कंटेनमेंट उनके एरिया के थे उनके लिए सैंपल करा दिए गए हैं, सो दैट कि हमारे किसी एरिया में कोई लोकल ट्रांसमिशन ना हो सके। सर, लगातार गुरुग्राम में केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसे में ऑरेंज जोन से रेड जोन में कराने के लिए गुरुग्राम को, क्या हमारे गुरुग्राम जिला जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन की जाएगी सर केंद्रीय सरकार को? सर, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम ये तो अवगत कराते हैं कि डेली बेसिस पे हम कराते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं,
तो जो भी बेस्ट कंटेनमेंट मेजर लिए जा सकते हैं वो लिए जाने चाहिए। और इसी तरह से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब हैं, हमारे जो नोडल कमिश्नर हैं, उनको भी हम इसके लिए अवगत कराते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई लोकल ट्रांसमिशन वाली ऐसी बात नहीं, लेकिन केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं तो उसके लिए अवगत कराया जाता है। तो आगे जो ऑरेंज से जो अगले हैं वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का सर मैटर। सर, आज कुछ कश्मीर के भी रहने वाले निवासी आए हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, क्या उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, ऐसे हैं कि जो मेडिकल हैं, काफ़ी लोग हो रहे हैं, जैसे हमारे सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी लोग जाते हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, दूसरे जगह पे आ रहे हैं, तो उस तरह से इनका आज हमने एक व्यवस्था यहाँ भी करा दी कि ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये कश्मीरी लोग हैं, 250-300 काम कर चुके हैं, और अभी भी आप देखेंगे जब तक ये बच्चों का काम मेडिकल नहीं होगा तब तक हमारी टीम यहाँ लगी रहेगी, सो दैट किसी को भी असुविधा का सामना ना करना। सर, तो आपने बातें सुनी, सीएमओ डॉक्टर जसविंद सिंह पूनिया ने बताया कि जितने लोगों की यहाँ मौत हुई है और उनके जो टेस्ट थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको उनके जो गृह क्षेत्र है, जो उनके राज्य हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको जानकारी दे दी गई है, उनके आंकड़े वहां पर काउंट किए जाएंगे। दूसरी चीज, जो कश्मीर के छात्र हैं वो यहाँ पर अपनी स्क्रीनिंग कराने पहुंचे हैं और उनका यहाँ पर स्क्रीनिंग करके उनको नेगेटिव टेस्ट पकड़ाए जाएंगे, जिसके बाद यहाँ से उनको भेजा जाएगा। इसी तरह जो बाकी प्रवासी हैं उनके राज्यों ने जो व्यवस्थाएं की हैं, जैसे उत्तराखंड राज्य ने अपने प्रवासियों के लिए व्यवस्था की थी, यहाँ गुरुग्राम से वो बसें चलाई गई थी, उसके माध्यम से वो सब लोग यहाँ से गए। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं वो लगातार व्यवस्था कर रही है। जितने भी प्रवासी भाई हमारे इस बुलेटिन को देख रहे हैं वो जरा समझे, जरा इंतजार करें, हरियाणा सरकार ने भी व्यवस्थाएं की है, अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, आप लोग इतने में सरकारी अस्पताल में जाके अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं, अपना जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको बस में या ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा। मेरा नाम आकिब है, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ। तो आकिब जी, स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं और कहाँ जाना चाह रहे हैं? तो ये यहाँ पे आधे कोचिंग करने के लिए आए थे, आधे पढ़ने के लिए, आधे एडमिशन, तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे स्टक हुए हैं, ठीक है। तो फिर हमने थोड़ा किया था, हम कोऑर्डिनेटर हमने ग्रुप पे किया, फिर इंदर जो इंद्रजीत सर को हमने कन्फर्म किया था, तो उन्होंने वहाँ से रिप्लाई, पहले हम इनको स्क्रीनिंग करके कल मॉर्निंग में यहाँ से हम कर देंगे। तो ये सभी कौन है, यहाँ पढ़ने आए थे या काम करने आए थे? पढ़ने आए थे, आधे एडमिशन करने आए थे, आधे कोचिंग करने आए थे, तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, आधे तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आए थे। कितने लोग हैं तकरीबन कश्मीर के? अप्रोक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स हैं। 600 है? 300 है अभी जस्ट यहाँ पे। अच्छा, 300 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो अभी सभी की स्क्रीनिंग कराई जा रही है? हाँ, अभी सभी की स्क्रीनिंग जा रही है। तो आप लोगों को जाने की व्यवस्था कैसे हुई है, जाने किसने व्यवस्था कराई है, कैसे जाएंगे वो? हमने यहाँ पे इंद्रजोत सर को, वहाँ पे डीएम है हमारे, नोडल ऑफिसर, उनके साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ऐसा करियो, आप वहाँ पे जाओ पहले स्क्रीनिंग करके, फिर हम बसों का अरेंज करके आपको वहाँ से निकाला दिया जाए। तो गुरुग्राम में अब 16 केसेस आज और बढ़ गए हैं कोविड पेशेंट्स के, अब गुरुग्राम में कुल संख्या बढ़कर 161 हो गई है जो कोविड पेशेंट्स की संख्या है। उसके अलावा जो एक्टिव केस है उनकी संख्या बढ़कर 94 यानी कि 94 हो गई है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 67 हो गई है। आप लोगों से बार बार अपील करते हैं कि अगर आप लोग छूट के चलते, जो ऑरेंज जोन में छूट दी जा रही है उसके चलते अगर आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, काम करने निकल रहे हैं, अपनी दुकानें खोलने के लिए निकल रहे हैं, तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये ना हो कि आप किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आ जाए और आपको भी वो संक्रमण हो जाए, आपका परिवार खतरे में आए, आप खुद खतरे में आए। तो इसीलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग पूरी तरीके से एहतियात बरतें, हमारी इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।